आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी इन दिनों बड़े ही सधे हुए अंदाज में सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। वो हर मुद्दे पर मोदी सरकार से न सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं बल्कि कटाक्ष करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। असल में कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ी मार पड़ी है और अब इसी मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब राहुल गांधी ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर लगी रोक का मसला उठाते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। ऐसे वक्त में राहुल गांधी ने इस फैसले को अमानवीय और असंवेदनशील करार दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझ कर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता काटना सरकार की असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय को दर्शाता है। आपको बताते चलें कि केंद्र सरकार ने जिस कटौती का ऐलान किया है उससे करीब सरकारी खजाने में 1,25,00,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए संकट के बीच सरकार इसे बड़ा कदम बता रही है। फिलहाल सत्ता पक्ष पर इस तरह का प्रहार करके राहुल गांधी सरकारी कर्मचारियों के साथ हमदर्दी बांटकर मोदी सरकार को घेरना चाहते हैं। अब क्या वाकई उनका यह प्रयास सफल हो पाएगा, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब किसी भी तरह से देश इससे निकलना चाहता है। खैर, राहुल की बात भी अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन ऐसे समय परियोजनाओं से ज्यादा जरूरी देश के लोगों के सामने संकट को टालना है। धन्यवाद।